हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे एग्ज़ाम में एक या दो नंबर का प्रश्न हमेशा आता है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो जब भी आप आगे पढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलेगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। अगर आपने भारतीय संविधान का पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो बिना समय गवाए हुए। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक संविधान के स्रोत, यानी भारतीय संविधान में जो बातें हैं वो कहाँ से ली गई हैं, उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। हमारा जो संविधान था वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ था। इसमें थे 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ। वर्तमान में 8 अनुसूचियों की जगह 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं और अनुच्छेद भी काफ़ी बढ़ गए हैं। ठीक है, 395 अनुच्छेद में से 250 ऐसे अनुच्छेद थे, 250 ऐसे अनुच्छेद थे जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में शासन व्यवस्था चलाने के लिए लाया गया था। तो 250 यानी 250 अनुच्छेद भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है कि संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से लिया गया है, तो आप यही वाला ऑप्शन टिक करेंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1935, ये वाला ऑप्शन आप लोग टिक करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ेंगे आगे कि किन देशों से क्या क्या लिया गया है। देखिए, ब्रिटेन है हमारा, तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय शासन प्रणाली, कानून निर्माण प्रणाली, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, अखिल भारतीय सेवा प्रणाली। देखिए, जो मैंने हाईलाइट किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। तो संसदीय शासन प्रणाली, कानून निर्माण प्रक्रिया और एकल नागरिकता, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से, इनको ज़रूर याद करिएगा। और जो एकल नागरिकता है वो हमारे संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य है, और भाग क्या है यानी संविधान के किस भाग में है, तो एकल नागरिकता संविधान के भाग 2 में है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से क्या क्या लिया गया है, तो इससे लिया गया है मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन प्रस्तावना, निर्वाचित राष्ट्रपति और महाभियोग। देखिए, यूएसए से मूल अधिकार लिए गए हैं। ठीक है, मूल अधिकार जो हैं 12 से 35 अनुच्छेद के मध्य हैं और भारतीय संविधान के भाग 3 में ये वर्णित हैं। ठीक है, और न्यायिक पुनर्विलोकन जो है, वो अनुच्छेद 137 में है। न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है, जैसे कोई संसद कोई कानून बनाता है तो न्यायालय के पास ये पावर होता है कि वह उसकी जांच पड़ताल करे कि वह संविधान के अनुरूप बना है या नहीं बना है, तो ये होता है न्यायिक पुनरावलोकन। तो मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन प्रस्तावना और निर्वाचित राष्ट्रपति और महाभियोग। तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अमेरिका से ली गई है। हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है उस पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के माध्यम से लगाया जाता है। अगला देश है कनाडा। कनाडा से लिया गया है संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कनाडा की दृष्टि से। अगर कनाडा देश आता है तो एग्ज़ाम में ये प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है। तो संघात्मक व्यवस्था यानी केंद्र व राज्य में जो शासन चलाने के लिए बॉन्डिंग है वो होती है संघात्मक व्यवस्था, और ये लिया गया है कनाडा से। और शक्तियों का विभाजन यानी केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, ऐसी व्यवस्था जो है ये कनाडा से ली गई है। और जो शक्तियां विभाजित करने के बाद बच जाती हैं, जिन्हें अवशेष शक्तियाँ कहते हैं, ये केंद्र के पास रहेंगी। तो ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है कनाडा से। आयरलैंड वाला जो है ये
जितना कहा जाए उतना ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आयरलैंड से जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, इनकी बात की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। ये संविधान के भाग 4 में हैं और ये अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे तत्व होते हैं जिनके माध्यम से राज्य का शासन चलाया जाता है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया जो है आयरलैंड से ली गई है। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है आपका 6 वर्ष का, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है। इसे उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा जो है वो कभी भंग नहीं होती है, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। अगला देश है हमारा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ये अनुच्छेद 368 में है भारतीय संविधान के, ठीक है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अगला हमारा देश है फ्रांस। तो फ्रांस से जो है समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं गणतंत्र प्रणाली लिया गया है। जो हमारे संविधान में समानता है, स्वतंत्रता है और बंधुत्व है, ये चीज़ें जो हैं फ्रांस से ली गई हैं। वैसे राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, इनको रट लीजिएगा। जैसे मूल अधिकार है कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। एकल नागरिकता है ब्रिटेन से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रहेंगी, ये कनाडा से लिया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जैसे संघ सूची, राज्य सूची होती है, समवर्ती सूची होती है, जो जो इसमें से समवर्ती सूची है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और संयुक्त अधिवेशन यानी लोकसभा और राज्यसभा में अगर कोई बिल पास नहीं हो रहा होता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। तो संयुक्त अधिवेशन जो है बुलाने का प्रावधान जो है ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। अगला है जर्मनी। जर्मनी से जो है आपातकालीन उपबंध लिया गया है, यानी आपातकाल की जो व्यवस्था है वो जर्मनी से ली गई है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, यानी पॉइंट्स हैं ये। अगला हमारा है और ये लास्ट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एग्ज़ाम में ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो रूस से जो है मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। रूस को यूएसएसआर, सोवियत संघ भी अगर एग्ज़ाम में आता है, अगर आपसे एग्ज़ाम में रूस आता है तो रूस टिक करेंगे, लेकिन अगर आता है एग्ज़ाम में कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, ऑप्शन में आपको यूएसएसआर दिया है, सोवियत संघ दिया है, तो वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो मौलिक कर्तव्य जो हैं रूस, यूएसएसआर, सोवियत संघ से लिए गए हैं, बात एक ही है। तो मौलिक कर्तव्य जो हैं संविधान के भाग 4 के काम में वर्णित हैं और यह यानी इसका अनुच्छेद है 51 का का। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में ये भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो इस प्रकार जो हैं हमारे जो भारतीय संविधान के स्रोत हैं ये हैं और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। एक बार मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है और आपको पता चल जाएगा कि कौन सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। मूल अधिकार या न्यायिक पुनरावलोकन जो है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रहेंगी, ये कनाडा से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं आयरलैंड से लिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। गणतंत्र प्रणाली फ्रांस से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आपातकालीन उपबंध जो है आपका ये लिया गया है जर्मनी से और मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा आप लोग। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपने ऑब्जेक्टिव वीडियो इसका नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।